फरवरी के महीने में होंडा ऊपर था और मार्च के महीने में फोर्ड ऊपर आ गया है। ऐसे ही MG ने टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स में अपनी जगह बना ली है और टाटा मोटर की ग्रोथ में फरवरी 2021 से मार्च 2021 यानी एक महीने में लगभग 9% की ग्रोथ दर्ज की गई है। तो देख लेते हैं मार्च के महीने में कौन से कार ब्रांड कितने बिके हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। 14th पोजीशन पर आया है स्कोडा। स्कोडा ने मार्च में 1,159 गाड़ियां बेची हैं। फरवरी में यह आंकड़ा 853 का था। 35.9% की सेल्स में ग्रोथ दर्ज की गई है। स्कोडा और फॉक्सवैगन ने इंडिया में अपना प्लान 2.0 शुरू कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट इनकी सेल्स पर आपको जुलाई के आसपास देखने को मिल जाएगा। 13th पोजीशन पर आया है FCA, जिसकी जीप कंपस भारत में बिक रही है। मार्च में इस ब्रांड ने 1,360 यूनिट्स बेचे हैं। फरवरी में यह आंकड़ा 1,103 यूनिट्स का था। 23.3 यानी 23.3% की सेल्स में ग्रोथ दर्ज की गई है। 12th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन, जिसने मार्च के महीने में पूरे भारत में 2,025 गाड़ियां बेची हैं। 7.4% लगभग सेल्स ग्रोथ कम हुई है। 11th पोजीशन पर आई है निसान मोटर्स। निसान की मैग्नाइट काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है इंडियन कार मार्केट में। मार्च में निसान ने 4,012 यूनिट्स बेचे हैं, यानी 4,012 गाड़ियां बेची हैं। फरवरी में आंकड़ा 4,244 का था। 5.5% की सेल्स ग्रोथ में कमी दर्ज की गई है। 10th पोजीशन पर है MG मोटर्स। MG मोटर्स ने भारत में मार्च के महीने में 5,528 गाड़ियां बेची हैं। फरवरी में यह आंकड़ा 4,329 का था। 27.7% सेल्स ग्रोथ दर्ज की गई है। MG जल्द ही भारत में अपनी एक गाड़ी 9 से 15 लाख रुपए की रेंज में एस्टोन नाम से लॉन्च करने वाली है, जो कि कुछ इस तरीके की दिखेगी। इसको आप इस साल के अंत तक भारतीय कार मार्केट में देख पाओगे। 9th पोजीशन पर है होंडा। होंडा ने मार्च 2021 में 7,103 यूनिट्स बेचे हैं। ये 7,103 गाड़ियां बेची हैं। ये आंकड़ा फरवरी के महीने में 9,324 था। सेल्स ग्रोथ कम हुई है 23.8%। 8th पोजीशन पर आई है फोर्ड मोटर्स। फोर्ड ने मार्च के महीने में 7,746 यूनिट्स बेची हैं अपनी गाड़ियों की। फरवरी में यह आंकड़ा 5,775 का था। 34.1% की सेल्स में ग्रोथ दर्ज की गई है। फोर्ड ने हाल ही में पहिया निकाल दिया फोर्ड इको स्पोर्ट का पीछे से, जिससे इसका लुक थोड़ा इन्हेंस हो गया है, ऐसा फोर्ड का मानना है, और ये बाकी की SUVs की तरह ही दिख रही है। 7th पोजीशन पर है रेनो। रेनो ने मार्च में 12,356 यूनिट्स बेची हैं अपनी गाड़ियों की। फरवरी में यह आंकड़ा 11,043 का था। 11.9 यानी 11.9% की सेल्स में ग्रोथ दर्ज की गई है। रेनो की काइगर आने के बाद से इसकी सेल्स काफ़ी इम्प्रूव हुई है। क्विड और ट्राइबर तो पहले से ही बेहतर कर रहे थे। 6th पोजीशन पर आई है टोयोटा। टोयोटा ने मार्च के महीने में 14,997 गाड़ियाँ बेची हैं। फरवरी में यह आंकड़ा 14,069 का था। 6.6% की सेल्स में ग्रोथ दर्ज की गई है। 5th पोजीशन पर है महिंद्रा। मार्च के महीने में महिंद्रा ने 16,643 गाड़ियां बेची हैं। वहीं फरवरी में यह आंकड़ा 15,380 का था। 8.2% की सेल्स में ग्रोथ दर्ज की गई है। XUV 500 और महिंद्रा स्कॉर्पियो की टेस्टिंग लगभग एक साल से चल रही है। उन गाड़ियों के स्पायर शॉट्स आपको फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से दिखते रहते हैं। हाल ही में ये खबर निकल करके सामने आई कि महिंद्रा की जो अपकमिंग कार्स हैं, जिनमें XUV 500 और महिंद्रा स्कॉर्पियो, इनकी टेस्टिंग चल रही है और अब इन गाड़ियों को कुछ महीने देरी से भारतीय कार मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। 4th हाईएस्ट सेलिंग कार कंपनी है किया मोटर्स। मार्च के महीने में किया ने 19,100 गाड़ियां बेची हैं। फरवरी में यह आंकड़ा 16,702 का था। 14.4% सेल्स में ग्रोथ दर्ज की गई है और किया मोटर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले महीने के हिसाब से इस महीने। 3rd हाईएस्ट सेलिंग कार कंपनी है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की 29,655 गाड़ियां बिकी हैं मार्च के महीने में। फरवरी में यह आंकड़ा 27,224 का था। टाटा मोटर्स की जो नई कारें अब आई हैं, पिछले साल से देखा गया है ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। टाटा मोटर्स की सेल्स में 8.9% की ग्रोथ दर्ज की गई है। 2nd हाईएस्ट सेलिंग कार कंपनी है ह्यूंडई मोटर्स इंडिया।
ह्युंडई ने मार्च के महीने में अपनी 52,600 गाड़ियां बेची हैं। फरवरी 2021 में यह आंकड़ा 51,600 का था। 1.9% की सेल्स में ग्रोथ दर्ज की गई है। हालांकि ह्युंडई आराम से 50,000 से 55,000 के बीच में गाड़ियां अपनी हर महीने बेच लेता है, जबकि इनकी गाड़ियों पर बहुत ही लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है कुछ वेरिएंट्स पर। और हर बार की तरह इस बार भी नंबर वन पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी। मार्च के महीने में मारुति सुजुकी ने 146,203 गाड़ियां बेची हैं। फरवरी में यह आंकड़ा 144,761 का था। 1% की सेल्स ग्रोथ बड़ी है। दोस्तों, मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर 45.6% है मार्च 2021 में। दोस्तों, अब हम आपके लिए टॉप सेलिंग एसयूवी, टॉप सेलिंग हैचबैक, टॉप सेलिंग सेडान, इन सब का वीडियो लेकर के आएंगे। उससे पहले आपके लिए आएगा टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार का वीडियो। तो आपने ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।